हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिम के लिए डाइट, खाए ये आहार। आइए जानते हैं वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए और वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए। वर्कआउट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसके पहले और बाद में खाने की सही जानकारी होना। कुछ लोग वर्कआउट करने से पहले या तो कुछ नहीं खाते या फिर अधिक खा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्कआउट से पहले क्या खाएं जिससे आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि शरीर का हाइड्रेशन, क्योंकि वर्कआउट के दौरान अधिक पसीना बहता है। अगर थोड़ी देर यानी 15 मिनट या 30 मिनट वर्कआउट करना है तो आप खाली पेट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 60 मिनट यानी कि एक घंटा या उससे अधिक वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यायाम का आपके शरीर पर सही असर हो इसके लिए शरीर को पोषण देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप व्यायाम पर ही सारा ध्यान देंगे और अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देंगे तो व्यायाम का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसीलिए डाइट पर भी आपको जरूर ध्यान देना है। वर्कआउट से पहले ये खाएं, केला आयरन विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट और ऊर्जा का खजाना है। संतरा, संतरे के जूस ऊर्जा और विटामिन सी से भरपूर ड्रिंक है। बादाम, बादाम प्रोटीन ओमेगा 3 और फैटी एसिड से भरपूर है। सेब, सेब कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरपूर है। दूध, दूध प्रोटीन विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। जिम में वर्कआउट करने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि बेहतर बॉडी के लिए क्या खाया जाए। दरअसल वर्कआउट के बाद शरीर ज्यादा से ज्यादा भोजन की मांग करता है, ऐसे में आपको वो डाइट लेना चाहिए जो आपके शरीर को फायदा दे सके। वर्कआउट के बाद ये खाएं, अंडा, अंडा प्रोटीन और विटामिन का बेहतरीन स्रोत है। दही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन स्रोत है, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। एनर्जी बार, इसमें ड्राई फ्रूट्स आते हैं जो व्यायाम के बाद शरीर में प्रोटीन नमक और मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करते हैं। सोया मिल्क प्रोटीन से भरपूर ड्रिंक है, इसके अलावा शरीर में कभी भी पानी की कमी ना होने दें। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास तक पानी जरूर पिएं। ये शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, साथ ही त्वचा में भी निखार लाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।